नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। कोरोना का कहर मुमरा कौसा में बरकरार है। लगातार आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन नए नए केस सामने आ रहे हैं। कल तक की कोरोना पॉजिटिव की आंकड़े मुमरा कौसा में टीएमसी की लिस्ट में 62 है, मगर एक और शाम तक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 63 हुई है आंकड़े। यानी संख्या कल तक की 63 थी और आज जो है मुमरा कौसा में 8 नए केस सामने आए हैं एक ही दिन में, और जिसको लेकर मुमरा कौसा में सनसनी मची हुई है। कौसा के इलाके में नौसीन प्लाजा नामक इमारत में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और मुमरा स्टेशन के पास जनता कॉलोनी जीवन बाग में मिला है, और कौसा के ही इलाके में जो दीवा प्रभाग समिति में आता है अजीजा टेरेस, जो वहाँ पर 2 केसेस सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव केस, और नारायण गवली चाल में एक नया केस सामने आया, और मेरी गोल्ड मुक्ता रेसिडेंसी पडले गांव और दूसरा मेरी गोल्ड मुक्ता रेसिडेंसी जो ये भी पडले गांव में है आता है, वहां भी 2 केस सामने आए हैं। तो आपको बता दें 5 कोरोना पॉजिटिव सील विभाग इलाके में ही मिले हैं जो दीवा प्रभाग समिति में आता है, और 5 मुमरा कौसा में मिले हैं। सभी जिन जगहों पे जिन इमारतों में कोरोना केसेस मिले हैं उस इलाके में उस एरिए को सील कर दिया है। और दूसरी खबर मुमरा के अमृत नगर इलाके की खबर हम आपको बता रहे हैं। मुमरा में सबसे पहले कोरोना केसेस की शुरुआत अमृत नगर में हुई, और कई पेशेंट मिले जो दादी कॉलोनी जिसका नाम है उस इलाके से मिले थे। कई बिल्डिंग सील हुई थी, नगर सेवक सानू पठान का हद आता है, इलाका आता है, लेकिन आज उस इलाके में अब एक भी पेशेंट नहीं है, और जो पेशेंट मिले थे उनकी उपचार किया गया, वो ठीक होकर एक एक करके अब अपने घर पहुंचे हैं। जैसे वो एक एक करके कोरोना पॉजिटिव के शिकार हुए और वो हॉस्पिटल में पहुंचे थे, ठीक उसी तरह से वो अपने घर लौट आए हैं, अपने परिवार में पहुंचे हैं, और जितनी बिल्डिंग सील हुई थी वो सब खोल दिए गए हैं। आज एक लास्ट और पहला पेशेंट वो भी कोरोना को हरा कर घर वापिस आया है, और इस दौरान नगर सेवक सानू पठान ने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। यहाँ से मिला था मुस्कान से, और वो जो है विघ्नार्ता से, उसके बाद जो है ये जो पेशेंट है ये भी आ चुके। अब कितने पेशेंट और बचे हैं और कितने पेशेंट जो है आने बाकी हैं? देखिए, सबसे मुमरा कौसा की अच्छी बात ये कि अब लगभग जितने पेशेंट थे 48-49 का आंकड़ा था, उसमें से आधे पेशेंट सिविल हॉस्पिटल से जो पॉजिटिव थे वो डिस्चार्ज करके अपने अपने घर आ गए, और मेरे प्रभाग का अमृत नगर का जितना भी इलाका था उनके सभी लोग डिस्चार्ज हो चुके, उनके क्वारंटाइन के लोग भी लगभग आ चुके, वो पेशेंट भी डिस्चार्ज हो चुके। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके साथ के औसा के अंदर कोविड के पेशेंट की तादाद बढ़ रही है। हाल फिलहाल में ही अभी की एक रिपोर्ट है कि कौसा के अंदर 6 पेशेंट और बढ़े, आज अभी लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपके ज़रिए मुमरा कौसा की आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में सिर्फ अपने घरों में जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें लें, ना ईद के चक्कर में पड़े, ना ही रमज़ान के लिए हम ज़्यादा खरीदी करें। हमें जितनी ज़रूरत है उतने टाइम पर उतरे, क्योंकि इसके लिए एहतियाती हमारे जो नानावटी के डॉक्टर लोग थे, जिनको मेरे दोस्त थे, वो आए, ऐसे कई डॉक्टरों से मेरी बात हुई, इसका इलाज ही एहतियाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और एहतियाती करें, ऑटोमेटिक कोविड की लड़ाई हम जीत जाएंगे और कोविड कोरोना हार जाएगा। और आपके जरिए एक और बात बताओ, केरला के अंदर कोई दवाई दी थी जाती थी हर्बल आयुर्वेदिक दवाई, ऐसी ही दवा हम महानगर पालिका में आई है, वो मुमरा कौसा में जल्द से जल्द वो दवा दी जाएगी, जिससे बॉडी के अंदर फाइटिंग सेल बढ़े और उनकी ताकत बढ़े, इससे नहीं बीमारी से लड़ने के लिए वो कैप्सूल काम करेगी, ऐसी दवाई देने चालू कर देंगे। तो आपने सुना, एक और हम आपको खबर बता रहे हैं। रेलवे के आसपास नाले की सफाई को लेकर टीएमसी और रेलवे के अधिकारियों ने दौरा किया, किस तरह की सफाई करनी है जिसको लेकर टीएमसी के अधिकारी धनंजय गोसावी व रेलवे के अधिकारियों ने जायजा लिया। साथ ही में 15 दिन में नाले सफाई का काम पूरा किया जाएगा और ऐसा आश्वासन भी दिया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें किस तरह से रेलवे पटरी पर अधिकारी जायजा ले रहे हैं और मुमरा स्टेशन के पास भी जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीर है जायजा लेते हुए, और इसी के साथ
समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।